हेलो एवरी वन वेलकम टू सक्सेस एक दिद और आज हम उन डिस्कवरीज़ के बारे में बात करेंगे उन रेयर डिस्कवरीज़ के बारे में जो शायद ही आपको इतिहास की किताबों में देखने को मिले इतिहास की किताबें आमतौर पर बारीकियों से भरी कहानी का केवल एक पक्ष बताती हैं इस स्लाइड शो में हम उन दुर्लभ खोजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इतिहास के उस पक्ष को दिखाया जो अक्सर देखने को नहीं मिलता ये उन कहानियों की इन परतों को छील लेते हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना हो और शायद ही कभी बताए गए तथ्यों को उजागर किया हो जो निश्चित रूप से आपको रोमांचित करेगा तो क्या आप तैयार हैं इतिहास की उन घटनाओं के बारे में सच्चाई सुनने के लिए तो आइए डिस्कस करते हैं इन डिस्कवरीज़ के बारे में तो सबसे पहले नंबर एक पर है हमारे पास ए मेमिफाइड मोंक इन साइड ए बुद्धा स्टैचू दो में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने एक बैठे बुद्ध की मूर्ति पर सीटी स्कैन किया अंदर उन्हें ऐसी चीज़ें मिलीं जिनकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी प्रतिमा एक मुनि सन्यासी के साथ आई थी जो वहाँ एक सेज्ञी के लिए रहा था केवल साधु को अंदर डालने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि वह उन पर चीनी पात्रों के साथ स्क्रैप से भरा था खुद को गुनगुनाने के लिए भिक्षु को जहरीली चाय के एक विशेष आहार पर रखा जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि उसका शरीर मैग्ड से संक्रमित होने के लिए बहुत विशाकत हो जाएगा बहुत से भिक्षुओं ने ऐसा नहीं किया लेकिन जो लोग करते थे वे उनके समुदाय में पूजनीय थे तो नंबर दो पर है हमारे पास त्योती हुआकन मैक्सिको में एक ग्रीन स्टोन मास्क 2011 में एक मैक्सिकन पिरामिड के आधार पर यह हरी सरपिन का मुखौटा पाया गया था हालांकि यह केवल एक चीज़ नहीं थी जिसे पुरातत्वविदों तो तो ने देखा था उन्होंने लूट को सूर्य के त्योती हुआ पिरामिड में पाया और यह माना जाता है कि यह 2000 साल पहले एक भेंट के रूप में वहां छिपा हुआ था मास्क के साथ उन्हें उसी सामग्री के मानव मूर्तियों के ठीक बगल में मिट्टी के बर्तनों और ऑक्सीडेंट टुकड़े मिले पुरातत्वविदों तो का मानना है कि मुखोटा एक समारोह का हिस्सा था क्योंकि यह एक अन्य प्रस्ताव के बगल में था नंबर तीन पर है हमारे पास रेगिस्तान में हेजाज़ रेलवे की एक तुर्क आपूर्ति ट्रेन महान युद्ध के दौरान हुई बहादुरी के कई अविश्वसनीय कारनामे थे सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक टी ई लॉरेंस था जिसे अरब के लॉरेंस के रूप में जाना जाता था उन्हें उन्नीस के मध्य पूर्व में तैनात किया गया था जब उन्होंने अरबों के चालक दल के साथ ऑटोमन आपूर्ति श्रृंखला की सेवा करने वाली ट्रेनों को चलाना शुरू कर दिया था जब युद्ध बंद हो गया तो उन्होंने इतनी रेल और रेलगाड़ियों को नष्ट कर दिया कि अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था खाली ट्रेनों को स्थानांतरित करने के बजाय तुर्की लोगों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया तो ये थी कुछ दुर्लभ खोजें कुछ रोचक खोजें कुछ रोचक घटनाएं जिनके बारे में आज हमने जाना आगे भी हम और ऐसी खोजों के बारे में जानते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद